कोटा में फंसे विद्यार्थियों को वहां से लाने के लिए कल बसें भेजने के मामले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनभिज्ञता जताई है। सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर के बारे में जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा तो उनका कहना था कि सरकार सिर्फ कोटा में विद्यार्थियों से संपर्क कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम सिर्फ वहां संपर्क कर रहे हैं और जो खबरें चल रही हैं उनके बारे में वह कुछ नहीं कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के एग्जिट प्लान पर हम काम कर रहे हैं। कोविड लंबा चलने वाला है और हमें कोविड के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थितियां पूरे देश और दुनिया में बन रही हैं। पूरी दुनिया की तरह हम भी पहले इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में आने वाले समय में दिक्कत ना हो इसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। सर, कोटा से कुछ बसें चलाने की बात भी चल रही है, क्या सच्चाई है इसमें जी? संपर्क कर रहे हैं सर, कब से चलाई जा रही है सर? अभी देखो ऐसा ना कि हम संपर्क कर रहे हैं, बच्चों की बात सुन रहे हैं। मीडिया का एक सेक्शन चला रहा है कि बसें चल जाएगी कल से, लोग इवैक्यूएट हो जाएंगे, इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। चलो एग्जिट प्लान पर हमारा डिस्कशन चल रहा है, डिपार्टमेंट को कैसे फंक्शन करनी है आने वाले समय में, और क्योंकि कोविड लंबा चलने वाला है और कोविड के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थितियां पूरे देश और दुनिया में बन रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम प्लान कर रहे हैं, आज हमने दो मीटिंग की, पीडब्ल्यूडी की और उसके साथ साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट की, हमारी प्रिपरेशन आने वाले समय के लिए कामकाज ठीक तरह से हो। और पर्टिकुलरली हेल्थ में तो हमारे एग्जिट प्लान के बाद जो सिचुएशन होगी उसमें तैयारी यहाँ अच्छी हो, ठीक प्रकार से हो और व्यवस्थित ढंग से हो, क्योंकि अभी हमारी प्रेपरेशन सही मायने ना देश की थी ना दुनिया की थी और ना हमारी थी। ये कोविड बीच में आने की वजह से ऐसी सिचुएशन कुछ पैदा हुई थी जिसके कारण हमको थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन आने वाले समय में दिक्कत ना हो इसके लिए प्लान करें। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।